और चलिए बात सबसे पहले होगी छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। राहुल गांधी आज अंबिकापुर आएंगे और आपको बता दें कि कत्कालों में चुनावी सभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे राहुल गांधी अंबिकापुर में। अंबिकापुर की अगर हम बात करें तो हॉट सीट है अंबिकापुर और यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील करेंगे। टीएस सिंहदेव यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और उनके लिए वोटों की अपील राहुल गांधी करते हुए नजर आएंगे। और चूंकि दिलचस्प यहाँ पर अंशिका इस बार का चुनाव होगा और कई ऐसे चेहरे इस बार यहाँ पर मैदान में हैं जिनकी उम्मीद नहीं थी। हालांकि पहले JCCJ के प्रत्याशी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ने वाले थे लेकिन उन्होंने भी पर्चा भर दिया, तो ऐसे में जो यहाँ पर मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो सकता है। हालांकि टीएस सिंहदेव का यहाँ पर अच्छा जनाधार है। बहरहाल जनता इस बार किसे चुनती है ये भी देखने का विषय होगा। राहुल गांधी जरूर आएंगे, यहाँ पर सभा को संबोधित करेंगे और टीएस सिंहदेव के पक्ष में प्रचार करेंगे। उप मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में प्रदेश के और इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और टीएस सिंहदेव बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति और उनके लिए यहाँ पर चुनाव प्रचार में शामिल होने आ रहे हैं राहुल गांधी। कत्कालों में होनी है चुनावी सभा। बिल्कुल, और चुनावी सभा के जरिए एक मजबूत संदेश देने की कोशिश राहुल गांधी की होगी कांग्रेस के लिए, तमाम बड़ी बातें। इसके अलावा राहुल गांधी पहले भी छत्तीसगढ़ में आपको नजर आए हैं, पहले चरण के चुनाव से पहले उन्होंने कई गारंटी छत्तीसगढ़ की जनता को दी है और इस बार वो क्या कहेंगे मंच से ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि अंबिकापुर में आज चुनाव प्रचार में शामिल होंगे राहुल गांधी और क्या कुछ कार्यक्रम की तैयारियां हैं, कहां कार्यक्रम होगा, कितने लोगों के पहुंचने की संभावना है, ये सभी डिटेल्स आगे आपको बताएंगे। फिलहाल आपको बताते चलें कि राहुल गांधी की इस सभा में क्या कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। हालांकि जो पहले चरण का मतदान हुआ उससे ठीक दो दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी किया था और उससे पहले राहुल गांधी ने दो बड़ी घोषणाएं की थी और उनके अलावा क्या अब दूसरे चरण से पहले यहाँ कोई बड़ी घोषणा राहुल गांधी कर सकते हैं क्या, ये भी देखने का विषय होगा। 17 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है प्रदेश की बची हुई 70 विधानसभा सीटों पर और ऐसे में अब ताबड़तोड़ प्रचार अभियान जारी है छत्तीसगढ़ में भी। बिल्कुल, हालांकि अगर बात करें छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होगा और यहां पर लगभग 70 सीटें ऐसी हैं जो जिनमें की बहुत हाई प्रोफाइल सीट और हॉट सीट्स शामिल हैं। इससे पहले प्रचार प्रसार का सिलसिला देखने को मिलेगा जिसमें कि राहुल गांधी आज अंबिकापुर आएंगे। प्रदेश में 5 साल के सरकार के कार्यकाल का जो लेखा जोखा है उस पर भी राहुल गांधी बोल सकते हैं क्या। इसके अलावा राहुल गांधी कुछ और मुद्दों पर बोलेंगे, केंद्र सरकार के साथ तालमेल को लेकर अक्सर राहुल गांधी मंच से अंशिका बात करते हैं कि राज्य के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, राज्य को ठीक तरीके से केंद्र सरकार उसके हक हकूक नहीं दे रही है। बहरहाल इन्हीं मुद्दों को लेकर राहुल गांधी इसके आसपास बोलते नजर आ सकते हैं लेकिन क्या कोई बड़ी घोषणा, कोई नई घोषणा राहुल गांधी मंच से करेंगे इस पर भी रहेगी नजर। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव जो कि प्रदेश में इस समय वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, ये अभी आज का जो कार्यक्रम है वो देखने का विषय होगा। छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार अभियान में राहुल गांधी जुटे हुए हैं। हमारे सहयोगी अंशिका अंबिकापुर से जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। युगल तिवारी भी हमारे सहयोगी जुड़ गए। युगल, आज एक बड़ा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में राहुल गांधी आ रहे हैं, क्या डिटेल मिल पा रही है? देखिए आशीष, कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रथम चरण के मतदान हुई उससे पहले भी तमाम जो कांग्रेस के स्टारक प्रचार हैं वो लगातार आते रहे और आज राहुल गांधी आएंगे, मल्लिका अर्जुन खड़गे आएंगे, तमाम बड़े ऐसे नेता हैं, कुमारी सलजा है, उनका भी उन क्षेत्रों पे लगातार दौरा है। अब पूरी ताकत सरगुजा संभाग पर, बिलासपुर संभाग पर झोंकी गई है। डिप्टी CM जो TS सिंहदेव है वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा अमरजीत भगत हैं, बड़े चेहरे हैं, सभी चेहरे वहां बड़े, जो कांग्रेस के बड़े नेता है वहां पर लगातार चुनाव कर रहे हैं। अब दो बड़ी अहम कार्यक्रम है राहुल गांधी का, जिसमें पहली सभा है कि TS सिंहदेव की सीट को लेकर के पूरी तरह से चुनाव प्रचार करेंगे, उसके बाद जसपुर जाएंगे। जसपुर को BJP का गढ़ माना जाता है और उन गढ़ को भेदने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से जुटी हुई है। 68 सीटों से कांग्रेस ने 75 पार का नारा दिया है तो इसे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस किसी तरह से कोई कोताही बरतना नहीं चाहती है।
इससे पहले जब प्रथम चरण के जो चुनाव हुए उसमें ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार सभी बिल्कुल दूसरे चरण के पहले युगल लगातार कोशिश यही है कांग्रेस की कि ज्यादा से ज्यादा माहौल बनाया जाए कांग्रेस के पक्ष में। श्रवण महंत भी हमारे साथ जुड़े हैं। श्रवण, आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं जहां पर राहुल गांधी की सभा होगी, बिल्कुल तस्वीरों के साथ आप दिखाइए कि तैयारियां कितनी वहां पर जबरदस्त तरीके से की गई हैं, क्या सभा स्थल तैयार है? देखिए, बिल्कुल दूसरे चरण का जो मतदान है उसको लेकर के कांग्रेस पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये मंच सज रहा है, तैयारी चल रही है और जिसको लेकर के यहाँ पर तमाम जो व्यवस्था है वो की जा रही है। राहुल गांधी का प्रोग्राम है, राहुल गांधी की चुनावी यहाँ पे सभा होनी है, दोपहर 3 बजे यहाँ पहुंचेंगे। हालांकि 12 बजे वो विशेष विमान से यहाँ पर पहुंचेंगे और TS सिंहदेव के साथ वो जसपुर सन्ना की जो चुनावी सभा के लिए वो निकल जाएंगे और वहां सभा खत्म करने के बाद यहाँ करीब 3 बजे वो यहाँ पर पहुंचेंगे कतकालो स्टेडियम जो है ग्राउंड मैदान में, यहाँ पे आम सभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। और आप देख सकते हैं कि जो कुर्सियां हैं पूरी तरह से लग चुकी है और हजारों की संख्या में यहाँ पर उनके जो सुनने हैं, राहुल गांधी को जो सुनने हैं वहां पर पहुंचेंगे, कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बता दूं कि जिस तरह से कांग्रेस ने सरगुजा संभाग की बात करें तो 14 की 14 जो विधानसभा सीट है उस पर कब्जा किया है और राहुल गांधी जब भी यहाँ सरगुजा में पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी घोषणा किए थे। 2018 में जब पहुंचे थे तो उन्होंने कर्ज माफी की घोषणा यहीं से की थी, जिसके बाद जो है पूरी परिवर्तन की लहर आई और भाजपा को हरा करके कांग्रेस ने सरकार बनाया है। हालांकि इस बार जो सरगुजा संभाग की 14 जो विधानसभा सीट है वहां पर जो है कांग्रेस का कब्जा है और यही कब्जा को बरकरार रखने के लिए जो स्टार प्रचारक है वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। आज राहुल गांधी का कार्यक्रम है और बेहद खास कार्यक्रम है क्योंकि राहुल गांधी के इस चुनावी प्रचार से जो कांग्रेस है वो इस सीट को जहां कब्जा उनका है। कौन कौन से चेहरे मंच से दिखाई दे सकते हैं, लगभग कितने लोगों की पहुंचने की संभावना है, क्या कोई बड़ी घोषणा यहां से हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है बड़ी घोषणा। मैं जिस तरह से राहुल गांधी का पहले भी दौरा यहाँ हुआ है तो बड़ी घोषणा किए हैं और यही उम्मीद है लोगों को कि राहुल गांधी यहाँ आ रहे हैं तो कोई बड़ा घोषणा करें। जैसे पिछली बार आए थे तो कर्ज माफी की घोषणा यहीं से किए थे और इसके बाद जो है कांग्रेस की लहर बन गई थी और सब प्रदेश में आया था। मैं दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे की जो है यहाँ तमाम जो व्यवस्था है वो किए जा रही है, तमाम कुर्सियां टेबल अभी तो तैयार चल रही है और हजारों की संख्या में यहां पहुंचेंगे। तीनों विधानसभा के जो सीट है के जो कार्यकर्ता है वहां पर पहुंचेंगे, जैसे सीतापुर विधानसभा से अमरजीत भगत हैं, लुंडा से डॉक्टर प्रीतम राम हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप दिखा रहे हैं दर्शकों को, राहुल गांधी की सभा जहां होनी है वहां की ये सीधी तस्वीर हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और उखरेंगे अगली खबर का। छत्तीसगढ़ का रण जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे अब मैदान में नजर आएंगे। 9 नवंबर को छत्तीसगढ़ का उनका दौरा होना है। अलग अलग जिलों में आम सभा को संबोधित करेंगे, कोरिया और कोरबा जिले में प्रचार प्रसार भी करेंगे। जनता का विश्वास जीतने का होगा प्रयास और विधानसभा चुनाव 70 सीटों पर 17 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनावी मैदान में प्रचार करते नजर आएंगे। 9 नवंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। ICC सचिव डॉक्टर चंदन यादव का छत्तीसगढ़ दौरा है। अंबिकापुर और कोरिया में करेंगे दौरा, सन्ना में राहुल गांधी की आम सभा में भी वो शामिल होंगे। दरअसल राहुल गांधी के साथ कतकालो में पहुंचेंगे डॉक्टर यादव, शाम में बैकुंठपुर में होने वाले खड़गे के कार्यक्रम में भी वो जायजा लेने जाएंगे कि किस तरह की तैयारियां हैं। रात 8 बजे अंबिकापुर के लिए वो रवाना होंगे और वो यहां पर मौजूद रहेंगे राहुल गांधी की सभा में। और आपको बताते चले कि ये जो पूरी चुनावी तैयारियां हैं आगामी मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे को लेकर अंबिकापुर और कोरिया का दौरा भी करेंगे और सन्ना में राहुल गांधी की आम सभा में भी वे शामिल होने वाले हैं। आपको बताते चले कि 17 तारीख को विधानसभा चुनाव 70 सीटों के लिए मतदान होना है और ऐसे में प्रचार अभियान में ताबड़तोड़ तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और बड़े नेता जुटे हुए हैं।
और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि मायावती छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रही हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती बिलासपुर और सक्ती में सभाएं लेंगी। 11 बजे विशेष विमान से वो छत्तीसगढ़ पहुंचेंगी। और आपको बता दें कि बिलासपुर एयरपोर्ट पर उनके पहुंचने का समय लगभग 12 बजे का तय है और सक्ती के मैदान हसौद में एक आम सभा को वो संबोधित करने वाली हैं। बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 2 बजे आम सभा करेंगी। 2 सभाएं मायावती की होंगी और वो 11 बजे करीब विशेष विमान से बिलासपुर आ जाएंगी। उसके बाद 12 बजे उनकी सक्ती में एक सभा है, वहां पर वो मौजूद रहेंगी। फिर 2 बजे उनकी दूसरी सभा बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती इस बार छत्तीसगढ़ में अपने प्रत्याशियों के प्रचार के लिए लगातार प्रयासरत हैं और बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत इस वक्त लगाए हुए है, क्योंकि मायावती जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोटों की अपील करती नजर आएंगी। देखना होगा कि कितना समर्थन जनता उनकी पार्टी को देती है इस बार के विधानसभा चुनाव में। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण में नक्सलियों के साथ छिटपुट झड़प के बीच मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। दरअसल राज्य की कुल 90 विधानसभा सीटों में से पहले चरण में नक्सल प्रभावित 20 सीटों पर वोट डाले गए। पहले चरण में पूर्व सीएम रमन सिंह और 3 मंत्री और 4 पूर्व मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। पहले चरण की 20 सीटों पर 25 महिलाओं सहित कुल 223 उम्मीदवार मैदान में थे। पहले चरण में 70.87% मतदान हुआ। और इस बीच कई जगहों पर छिटपुट घटनाएं भी देखने को मिली। सुकमा जिले में नक्सलियों ने आईईडी प्लांट किया हुआ था जो कि ब्लास्ट हो गया। सीआरपीएफ का एक कमांडो इसमें घायल हुआ। वहीं सुकमा जिले के बांडा मतदान केंद्र के पास नक्सलियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हल्की गोलीबारी भी हुई। आपको बताते चलें कि नारायणपुर जिले के ओरछा थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एक मुठभेड़ की भी जानकारी मिली। पुलिस का कहना है कि इन दोनों घटनाओं में सुरक्षा कर्मियों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। मतदान खत्म होने के बाद अब कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग दल रवाना भी किए जा रहे हैं। और इससे जुड़ी हुई 8 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। एडिशनल SP कोटा गौरव मंडल ने ये बताया कि मतदान दल की रवानगी भी कड़ी सुरक्षा के बीच की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र में मतदान सफल रहा और सबसे ज्यादा भानु प्रतापपुर में वोट डाले गए। मत प्रतिशत के साथ ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां चुनाव और चुनाव के बाद की जो तैयारियां हैं, जिस तरह भेजा जा रहा है मतदान दल को, उसकी तस्वीरें 8। गौरव मंडल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। पहले चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं और सुकमा जिले को लेकर खासतौर पर उस स्थिति को लेकर बात करते हैं। कोंटा और बाकी जगहों पे किस तरह से स्थिति रही? सर ओवरऑल अब तो मतदान हो चुका है और अब मतपेटियां भी भेजी जाएंगी, तो क्या व्यवस्थाएं हैं और ओवरऑल अगर देखा जाए तो किस तरह से खड़ा है ना? जैसा कि हम लोग सब जानते ही हैं, जो सुकमा जो इलाका है अति नक्सल संवेदनशील इलाका है और यहाँ पे सुरक्षा बलों के लिए पोलिंग कराना एक चुनौतीपूर्ण काम है। पुलिस अधीक्षक सर के मार्गदर्शन में हम लोग निरंतर लगातार 1 महीने से किस प्रकार से यहाँ सुरक्षित रूप से पोलिंग शांतिपूर्ण निष्पक्ष ढंग से कराई जा सके, इसके लिए हम लोग लगातार तैयारियां कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, स्ट्रेटजीज बना रहे थे और उसी का परिणाम है कि आज सुकमा में और कोंटा क्षेत्र के अंतर्गत बहुत ही अच्छी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से और सुरक्षित रूप से मतदान सम्पन्न हो पाया है। एक दो जगह घटनाएं भी हुई, अभी तालमेटला के में भी कहा जा रहा है कि फायरिंग जारी है सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच। नहीं, हमारी सारी टीम पोलिंग पार्टी सारे के सारे सुरक्षित हैं और अपने अपने निर्धारित सुरक्षित स्थानों पे कैंप में इस समय सब पहुंच गए हैं और कहीं भी कोई कैजुअलिटी नहीं है। सर हालांकि स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है, तो क्या पूरी सिक्योरिटी के साथ मतपेटियां भेजी जाएंगी? जी जी बिल्कुल, हमारी जो प्लानिंग है हर स्तर पे किए हैं कि किस प्रकार फोर्स इंडक्ट होगी, किस प्रकार पोलिंग होगी और किस प्रकार से पोलिंग के पश्चात पोलिंग पार्टीज और ईवीएम को पहुंचाया जाएगा, तो हर स्तर पे हमारे सुरक्षा प्लान तैयार है और उसी के तहत अभी पोलिंग पार्टीज को भी रवाना कर रहे हैं। जी, तो सुकमा कलेक्ट्रेट जी, तो ये आप देख सकते हैं कि पूरी गाड़ियां जो है वो लगी हुई हैं और मतदान हो चुका है और पोलिंग पार्टीज अब रवाना होंगी सुकमा जो में व्यवस्था की गई कलेक्ट्रेट में जिला मुख्यालय में, और ये बसेस लगी हुई हैं। भेजी में इस वक्त मौजूद हैं और भेजी से यहाँ से भी
जो है वो पोलिंग पार्टी रवाना होगी और जाहिर तौर पर जो यहाँ का प्रशासन है उनका दावा है कि ओवरऑल जो चुनाव है वो काफी अच्छे से संपन्न हुआ और फोर्सेस काफी लगाई गई थी और उनका कहना है कि इसका एक बड़ा फायदा देखने को मिला। हालांकि बस्तर में वैसे भी बड़ी संख्या में फोर्स मौजूद है लेकिन चुनाव को देखते हुए और भी जो जवान है वो बाहर से बुलाए गए थे। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजवा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। चलिए ममता के पास चलते हैं, उनसे बात करेंगे। ममता, चुनाव आयोग ने जो लक्ष्य तय किया था वो लगभग बहुत अच्छे से पूरा हुआ है सुरक्षा बलों के सहयोग के चलते? बिल्कुल, देखिए और इस वक्त अगर बात की जाए तो हम लोग यहाँ पर सुकमा में हैं जहाँ पर ईवीएम मशीनें रखी गई हैं और ज्यादातर पार्टियां रात को लौट चुकी हैं लेकिन और भी बहुत सी जो पार्टियां हैं वो रात को बहुत इंटीरियर में जो थी वो लौटी नहीं है, तो वो करीबन थोड़ी देर बाद में लौटेगी, एक दो घंटे बाद में लौटेगी क्योंकि रात को उनको लौटाना जो है जो मतदान दल है वो खतरा होता और यही वजह है कि अब सुबह वो आएगा, वो जो मतदान दल है वो सुबह लौटेंगे। कलेक्टर और एसडीएम जो है वो अभी अभी यहां से रवाना हुए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि जहां पर ईवीएम के गए हैं वो किस तरह से सिक्योरिटी यहाँ पर तैनात की गई है और जो भी भीतर जा रहा है उसकी जांच की जा रही है और जाहिर तौर पर जब तक के मतगणना नहीं हो जाती है तब तक ये जो सिक्योरिटी है वो इसी तरीके से इसके आसपास बरकरार रहेगी। सुकमा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में ये तमाम जो मतदान दल है वो लौटे और वहां पर रात भर जो है वो ईवीएम मशीनों की काउंटिंग की गई और मिलाया गया कि सारी चीजें ठीक है या नहीं ठीक है। अगर हम बात करें तो अभी तक ये राहत की बात है कि कहीं भी ईवीएम लूटने या किसी भी तरह की उस तरह की घटनाएं नहीं आई है। जी बहुत शुक्रिया ममता जानकारी साझा करने के लिए। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें आगे भी जारी रहेंगी। एमपी के तो डॉक्टर अमन सिंह को आप